नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। सीसेट हटाने के लिए आंदोलनकारी छात्र लगातार जंतर मंतर पर डटे हैं। यह आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन बनता जा रहा है, इसमें दो राय नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों ने कहा, जब तक सीसेट को नहीं हटाया जाएगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कहीं ना कहीं यह अब एक छात्र आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है यह आंदोलन, और पूरे देश में यह आंदोलन का जो सुगाहट है अब धीरे धीरे पूरे राज्यों में फैलता नजर आ रहा है। दक्षिण राज्यों में भी सीसेट को हटाने के लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय छात्र अधिकार मंच के पवन कुमार हमारे साथ हैं, जो कि सबसे पहले अनशन यही किए थे सीसेट हटाने को लेकर, लेकिन फिर भाजपा सरकार अनशन तोड़वा दी और फिर दोहरा मापदंड अपनाते हुए सीसेट नहीं हटाई है अभी फिलहाल। और तो हमारे साथ पवन जी हैं। पवन जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि अब सीसेट नहीं हटाया गया जी, कल स्पष्ट कर दिया वेंकैया नायडू और मुख्तार अब्बास नकवी, तो अब आपके आंदोलन का रूप क्या होगा? देखिए, हमारे आंदोलन का रूप, हम जैसा कि आपने पहले कहा कि अनशन किए थे, तो हमारा तरीका जो था गांधीवादी था, उन्हीं मार्गों पे चलते हुए हमने वो उस छोटे से मुखर्जी नगर से इस मुद्दे को, जो कि पूरे देश का मुद्दा था, पूरे देश व्यापी बना दिया। आज हमारे साथ हैदराबाद में हमारे इस आंदोलन के समर्थन में आज चौथे दिन वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए लोग हैं इंदिरा पार्क में। इसी तरह से गया में आंदोलन शुरू हो गया है, तो पूरे देश में आंदोलन फैल चुका है। तमिलनाडु से प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है, केरला से हो गया है। क्योंकि ये मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये हमारा भाषाई मसला नहीं है, जो कि एक भाषाई रंगत देकर हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आंदोलन के चेहरे को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से एक तरह से देखा जा रहा है कि मोदी का रास्ता वही इंदिरा गांधी के रास्ते पे जा रहा है, जिसमें आपातकाल लगाई थी इंदिरा गांधी, वो भी पूर्ण बहुमत में थी, और अभी नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत में है। तो उनका रास्ता 60 दिनों के बाद लग रहा है कि अब आपातकाल लगाएंगे देश में। छात्र आंदोलन उस वक्त भी हुआ था और ये भी इस तरह का माहौल बन रहा है। देखिए, अब मैं उस समय मैं युवा था नहीं, मैं तो आज का युवा हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, स्थितियाँ तो वैसे ही है, लेकिन अगर तानाशाही उन्होंने किया तो वो उन्होंने अपना दिखाया कि भाई जो हमारे डिसीजंस को नहीं मानते हैं। उन्होंने जो मीसा का एक्ट था और भी सारी चीज़ें हुई है, तो उसमें एक लोगों की जनभावनाओं के विरुद्ध उनको दबाने का काम किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसका एक इस आंदोलन के साथ जो सरकार का सबसे घिनौना पक्ष है कि जनता के आवाज़ को उसे तोड़ मड़ोड़ कर, उसे घिनौने तरीके से उस पर गंदगी डालकर, उसको विद्रूप बनाकर, और आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं, ये बहुत गंदी हरकत है। अगर कहना है साहब कि साफ साफ हमारे नहीं चाहिए ये आदमी हमें आप प्रशासन में, तो आप साफ साफ मना कीजिए कि सरकारी स्कूल के सरकारी बच्चे इस इतने बड़े एग्जाम में, इतनी बड़ी परीक्षा में उसको प्रशासन में नहीं आना। इसमें इस आंदोलन को विफल करने में कहीं ना कहीं सच्चाई ये है कि मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा कि सीसेट नहीं हटा, क्योंकि आप जिस तरह से देखिए हर एक पैनल डिस्कशन में आपके भी टीम के सदस्य गए, तो किसी चैनल ने आपको दंगाई कहा और किसी चैनल ने कहा कि आप लोग यहाँ पर आतंकवादी हैं। तो इस सीसेट नहीं हटने के पीछे सबसे बड़ा एक कारण मीडिया भी रहा है, जिसको हाईजेक कर लिया गया था कॉरपोरेट के द्वारा। तो इस पे आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आप खुद मीडिया से हैं और इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि मीडिया ने आपके आंदोलन को ख़राब करने में भूमिका निभाई। ये तो मैं चाहूँगा कि ये मीडिया अपने दायित्व को समझे कि उसका दायित्व क्या है। हम तो उनसे विनती कर सकते हैं, उनके बारे में हम तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हमारे लिए अब भी उनके मन में सम्मान है कि सच्चाई को वो बाहर लाए कि क्या ये आज की सच्चाई क्या है, ये युग सत्य क्या है, ये विद्यार्थियों का सत्य क्या है। अगर वो सत्य के साथ छलावा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि वो अपने प्रोफेशन के साथ वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ये हमारे मीडिया मित्रों को समझना चाहिए, हमारे बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए कि उनकी बुद्धि, उनका विवेक क्या कहता है, कि कमज़ोर के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, जो विक्टिमाइज है उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, या फिर जो अन्यायी है, जो शोषण करने वाली शक्ति है, उसके हाथ का एक औजार बन जाना चाहिए किसी भी जनता की आवाज़ को, गरीब की आवाज़ को, या जो पीड़ित की आवाज़ को दबाने में। क्या राष्ट्रीय अधिकार मंच इसको 90% बनाम 10% की लड़ाई के तौर पे देख रही है? ये 98% बनाम 2% का मामला है, क्योंकि 2% हमारे देश में अंग्रेजी में लिखने पढ़ने बोलने वाले लोग हों, चाहे वो इंजीनियर डॉक्टर सारे, और 98% है जो कि नॉन इंग्लिश वाले हैं। ये सिर्फ इंग्लिश का मसला नहीं है, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का भी मसला है, इंडिया बनाम भारत का भी मसला है, और ये बहुत बड़ा वर्ग अंतराल के बीच ये गैप है, ज़रूरत इसको पाटने की है।
तो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और हम लोग उसी विश्वास के साथ जनता के पास जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो सच्चाई है एक हद के बाद ना तो इसे मीडिया तोड़ मरोड़ पाएगी और ना ही हमारे नेता इसमें कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि हम अपने जज्बे के साथ, हम अपने इरादे के साथ, हम अपने नेक नियति के साथ मैदान में हैं और अंतिम समय तक डटे रहने का हम प्रयास कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी एनसेफेलाइटिस का कहर लगातार जारी है। अब तक इसमें 2 बच्चे की मौत हो गई है, लेकिन पिछले दिनों लोकसभा में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अरुणाचल प्रदेश में शिकार हुए एनसेफेलाइटिस के जो बच्चे शिकार हुए हैं उनका नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा, जबकि देश के गृह राज्य मंत्री अरुणाचल प्रदेश के ही हैं। इस पर एक अब गंभीर सवाल होता है कि क्या अरुणाचल प्रदेश के मामलों में सरकार की दोहरी नीति है। देश का गृह राज्य मंत्री अरुणाचल प्रदेश से है, लेकिन लोकसभा में देश के स्वास्थ्य मंत्री ने इंसेफेलाइटिस में मरने वाले बच्चे को एक क्षेत्र तक ही सीमित रखा और अरुणाचल प्रदेश में मरने वाले बच्चों का नाम लेना उचित नहीं समझा। ये गंभीर सवाल है देश के गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और भारत सरकार के लिए। इस तरह का दोहरापन भारत सरकार की नीति और नियत पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट ने बुधवार को सऊदी अरब के विरोध में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन खासकर ISIS के खिलाफ किया गया था। आइए देखते हैं ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट के प्रदर्शन का एक हिस्सा। सन 1925 में सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने हमारे और बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति दूत बन के आए पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोख्तर यानी कि उनकी पुत्री के मज़ार मुकद्दस को तोप के गोलों से तोड़ दिया था, जो कि हमारी श्रद्धा और हमारी आस्था का केंद्र था। इन्होंने ये बर्बरियत का काम 1925 से शुरू किया जो कि आज तक जारी है। आज आपको वो इराक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अलग अलग जगह आतंकवाद की शक्ल में नज़र आता है। जो भी गुरु शिष्य परंपरा में यानी कि किसी स्पिरिचुअलिटी से, किसी रूहानियत से ताल्लुक रखता है वो इनका स्पेशल शिकार होता है। तो हम इसी मांग के साथ यहाँ बैठे हैं, सऊदी एम्बेसी को खून से हम लोग लिख के ये हमारी डिमांड देने वाले हैं कि उन मुकद्दस मकामों को फिर से बनाया जाए और जो बेगुनाहों का कत्ल वो लोग कर रहे हैं, ISIS, सिपाह साहबा, लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, ये सारी संस्थाओं को जो ये लोग पाल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, संस्था नहीं, इसे आतंकवादी संगठन ही कहना पड़ेगा, इन आतंकवादी संगठनों को जो कि जानवर से बदतर है, इन्हें रोटी डालना बंद। मोदी जी से हमारी सीधी डिमांड यही है कि वो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी से, देखिए मोदी जी एक, उनसे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, मोदी जी एक वैसे प्रधानमंत्री है जैसा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को होना चाहिए, एक लोह पुरुष हमें कहीं ना कहीं उनमें दिखता है। हमारी ये ख्वाहिश है और तमन्ना है कि वो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी पे प्रेशर डालेंगे और जो हमारी डिमांड्स है उसे पूरा करवाने के लिए वो कोशिश करें। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने ईस्ट कामेंग जिले का दौरा किया और जिला अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में गवर्नर ने स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जोर देते हुए कहा कि जब तक जिले में शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा तब तक जिले में विकास नहीं हो सकता। वहीं बेरोजगारी पर गवर्नर ने इलेक्टेड प्रतिनिधियों और जिला अधिकारियों का अहम रोल बताते हुए कहा कि इन सभी को बेरोजगार युवाओं को काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में कुछ गिने चुने स्कूलों को छोड़कर किसी और स्कूल में मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है। कहने को तो सरकार करोड़ों रुपये मिड डे मील पर खर्च करती है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र मिड डे मील के इस लाभ से महरूम हो जा रहे हैं। गंगा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और चिंपू के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल को छोड़कर ऐसे बहुत से सरकारी स्कूल हैं जहां पर छात्रों को मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है। उन्हीं में से एक है मोप 2 का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल।
जहां के छात्र का कहना है कि उनके स्कूल में कोई भी सुविधा नहीं है और ना ही उन्हें मिड डे मील दिया जाता है। वहीं चिंपू के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि उन्हें सिर्फ चावल मुहैया कराए जाते हैं, जबकि सारा सामान उन्हें बाहर से ही खरीदना पड़ता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि राज्य में जीरो टॉलरेंस इन एजुकेशन का दावा करने वाली सरकार सब देखकर भी अनदेखा क्यों कर रही है। कितने क्लास में आप लोग? क्लास 3। कौन सा स्कूल का है? कॉप मिडिल स्कूल, ईटानगर। आप लोगों में मिड डे मील खाने के लिए मिलते हैं? ये खिचड़ी उचड़ी मिलते हैं? नहीं। आज मिला है? नहीं आज नहीं मिला, कल से शुरू होगा। मिला है कि नहीं मिला? आज नहीं, आज नहीं मिला। खाने के लिए कितना दिन से नहीं मिल रहा था? बहुत दिन हो गए नहीं मिले। बहुत दिन से नहीं मिल रहा है। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ऐसे दुकान दुकान तरफ जा रहे हैं। जी नहीं, हम लोग का इधर तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं। खिचड़ी तो कभी कभी एक बार गलती से मिलता है, वो भी सिर्फ राइस और हल्दी का साथ सिर्फ मिला था, और बाकी कुछ नहीं मिलता हम लोग को मिड डे मील में। और आजकल मिलता है? आजकल तो अभी नहीं है। हाँ नहीं आया। दुकान से दाल, आलू, ये ड्राई चिली हो गया, और आपका मोटर हो गया, ग्रीन पी, और कभी हम चना लेता है, तो वो सारा एमोइल, ये जो आपका स्पाइसेस है और लहसुन है, वो सारा सामान एक्सेप्ट चावल ही हम लोग को सप्लाई करता है, बाकी सामान हम लोग पूरा दुकान से लेता है। उधार लेता है कभी, हम लोग अपना से मैनेज करके देता है, दुकानदार ज़्यादा तकलीफ हो जाने से, तो बाकी हम लोग उधार लेता है, वो पैसा जो बिल मिलता है हम लोग उसको दे देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कई सारे स्कूल है जहाँ पे अभी तक मिड डे मील नहीं मिल रहा। मिड डे मील स्कीम जो बच्चों को दिया जाता है प्रोटीन के साथ, उनको उनके लिए हेल्थ के लिए न्यूट्रिशंस के लिए दिया जाता था स्कीम, वो अभी तक यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल में हम गए और हमने देखा कि अभी तक बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ऐसे कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर अभी तक मिड डे मील के नाम पर इनको कुछ नहीं मिलता। जब हम देखते हैं कि हमारे जो CM है, हमारे नाबम तुकी जी ने जो दावा किया था और एजुकेशन को लेकर जीरो टॉलरेंस के जब बात करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चों को यहाँ पे कुछ प्रोवाइड नहीं हो रहा, मिड डे मील के नाम पे कुछ मिल ही नहीं रहा। जब हमने बच्चों से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि बहुत दिन हो गए इनको मिड डे मील का नाम पे कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की बात किया था, तो मिड डे मील का स्कीम क्यों नहीं हुआ यहाँ पे प्रोवाइड, और किस कारण ये इनको नहीं मिल रहा मिड डे मील। मैं टाइम्स अपना विद कैमरा पर्सन राहुल गामांग के साथ, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बेरोजगारी पर बोले खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुकामाल देव। सुकामाल देव ने कहा, प्रधानमंत्री रोजगार जनरेशन प्रोग्राम योजना राज्य में खत्म कर सकता है बेरोजगारी को। खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की शुरुआत अरुणाचल में ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने और राज्य में रोजगार लाने के लिए की गई थी। ईस्टर्न स्काई मीडिया से बात करते हुए खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुकामाल देव ने लोगों से अपील की है कि वो बोर्ड द्वारा शुरू की गई स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री रोजगार जनरेशन प्रोग्राम योजना का लाभ उठाएं और राज्य में बेरोजगारी को खत्म करने में उनकी मदद करें। अब जब डिपार्टमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं तो भी आपको पता चल जाता है कि ये दो काम मेनली कर रहा है। द टू सब सेक्टर्स आर, वन इज खादी एंड अदर इज विलेज इंडस्ट्रीज। सो हियर व्हाट यू फाइंड द स्कोप इज दैट khadi activities you can spread in any rural areas, and since the application of machine is less, the number of employment you can generate is more. Another major scheme, what is called the flagship scheme of the government of India, is called Prime Minister's Employment Generation Program, PMEGP, and this scheme has come in a huge shape all over the country, and the Arunachal Pradesh is also not in the back foot on this scheme. The Arunachal Pradesh is also with the same amount of enthusiasm is trying to implement this scheme with the help of the banking sector, because PMEGP is a credit link scheme where the participation of bank is very much essential. Arunachal Pradesh mein khadi and village industries board ke chief executive officer एस देव ने हमें बताया कि अरुणाचल में कई सारे ऐसे projects या schemes को लागू कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत, जिसमें फाइनेंशियली असिस्टेंट दिया जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि अरुणाचल में जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाए। कैमरामैन ताजू मिंदर के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के जीरो में शुरू हुआ रूरल इको टूरिज्म गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम। विधायक तागे ताकी ने किया ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन।
रूरल इको टूरिज्म गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ने टूरिज्म विभाग और अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से ऑर्गेनाइज किया है। वहीं शिलोंग के नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ने इसे स्पॉन्सर किया है। प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए जीरो से विधायक तागे ताकी ने कहा कि अच्छे व्यवहार और मेहमान नवाजी से ही किसी जगह को टूरिस्ट की पसंदीदा जगह बनाया जा सकता है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 13 अगस्त तक चलेगा। मलेशिया में आज से होने वाले कराटे चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश से 3 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 10 अगस्त तक चलेगी यह चैंपियनशिप। टीम में 2 लड़कियां यापुंग सोनम बामंग याकुम और 1 लड़का राजा यांगफो है। इनके साथ भारतीय टीम के कोच चारू तातुंग और भारतीय टीम के अधिकारी डॉक्टर मार्ली एते भी मलेशिया गए हैं। ये 3 खिलाड़ी कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।